नहीं है इसके लिए तो खोल के रखा है। मायूस मत होना, हर रात के बाद सवेरा होता है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hey, good morning, guys. Welcome back to my YouTube channel. Our YouTube channel, M Khan Vlogs. अरे मैं कार वॉश करने जा रहा, कार वॉश मैं देख के आया, कार वॉश चालू है। हाँ चलो, जो काम उस दिन अधूरा रह गया था उसे आज पूरा करते हैं। वॉश कर लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ा काम है, एक जगह जाना है दोपहर में। वॉशिंग वाले बन रहे हैं नया, देखो यहाँ पे वॉशिंग करने आया था मैं, मगर ये भाई साहब की पाइप छूट रही थी, इसके लिए मैं बोला लाओ मैं कर देता हूँ। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सारे काम आसान होते हैं, बस करने वाला चाहिए। इधर मालिक लोग सिर्फ मजूरी लेने आते हैं। ये कर तो दिया, देखते हैं अभी स्टार्ट होता है क्या नहीं। करो आप चालू करो। और ये देखो इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। ये देखो नो लीकेज, हमेशा बोलता हूँ काम सारे आसान होते हैं, बस करने वाला चाहिए। वो तार बांधने के बाद यहाँ से भी लीकेज हो रहा था, तो इधर भी ट्यूब बांध दिया, यहाँ का भी लीकेज बंद हो गया। अरे करो भाई, जितना आता है जैसा आता है जो आता है करो। कम से कम ये लोग दो तीन कार वॉश कर लेंगे तो कम से कम आज की इनकी तिहाड़ी तो निकल जाएगी। एक मिनट, मेरा वॉशिंग सेंटर है। अच्छा। वो बंद था सुबह से, वो दोनों काम कर रहे हैं। आपने चालू किया ना इसलिए बोल रही सुबह से। देखो मैंने कोई जादू नहीं किया, बस मैंने वो एक तार बांधी पक्कड़ से खींच के। सारे काम आसान होते हैं, बस करने वाला चाहिए। मैं ये मेरा ये स्लोगन है कि सारे काम आसान होते हैं, बस करने वाला चाहिए। गाड़ी यहीं पे लगा दी, अभी फिर निकलना है तुरंत, तो इसलिए गाड़ी बाहर ही लगा दी झाड़ के नीचे, ठंडी भी रहेगी। क्या डिग्री चल रही है पुणे में, 36 डिग्री है अभी। अभी तक बना रहे क्या तुम? खत्म नहीं हुआ ना, ये छोटा छोटा है ना, इससे अभी तक देर हो जाती है। बाप रे बाप, ये तो कल खाने में मजा आएंगी। कार वॉश हो गई, जो काम पेंडिंग थे वो हो गए। अब एक काम था, वहां जा रहा हूँ, तो वहां जाकर मिलते हैं।
आदमी को अपना रोजा इधर लग रहा है, रोजा लग रहा है कि चेहरे देखो ना। नहीं नहीं सबके चेहरे माशाल्लाह अच्छे ही है। भाई ये मेरे अल्लाह को और मेरे को मालूम है, मैं इसको बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा कलीम भाई की तो बात ही और है। उस दिन के BMW के वीडियो पे बहुत अच्छे व्यू आए थे और वो वीडियो के बाद से किसी यमा वाले ने देखा उसको वीडियो को और वो मेरे जानने वाला ही था वो यमा वाला। अच्छा तो उसने बोला कि भाई तुम यमा शोरूम पे आओ, यमा शोरूम खुलने के बाद उसका वीडियो बनाने का है। जाएंगे ना साथ में? हाँ तो तू भी आना मेरे साथ। गॉगल में भी अच्छा दिख रहा मुझे तो, तू तो रईस का शाहरुख खान दिख रहा नंबर का भी क्या करें। मार्केट की चर्चा चल रही है भाई, सोशल डिस्टेंसिंग पे बात करो। देखो इनको कुछ पड़ी ही नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग की। मास्क लगा फाट तू। देखो यहाँ पे मैं MG रोड पे आया था कोलसा गली में, यहाँ पे सारे व्यापारी जमाबंदी। हाँ यहाँ पे जमाबंदी नहीं है, व्यापारी लोग अपना दुखड़ा रो रहे। तो ये सारे के सारे व्यापारी क्या बोल रहे, क्या बोल रहे थे भाईजान आप? बोल रहे हमारे को थोड़ा ध्यान देना है ये बीमारी के लिए, थोड़ा हमारा भी कुछ निर्णय लो, हमारा भी निर्णय टाइम दो, हमारे साथ बंद हो जाएगा नहीं तो। अरे भाई मेरा खुद का 1.5 साल से बंद है, तुम्हारा क्या निर्णय लो भाई? किसको लाफा मारेंगे, किसको? फात को मारूंगा भाई। मेरा भाई है, हाथ तो लगा के दिखाओ, तुम मुंह पे मास्क लगा के, सबसे पहले तो मुंह पे मास्क लगा के बात करो। सॉरी क्या तुम्हारे भाई से बच रहा है आदमी? हाँ फात मेरा भाई है, अलीम भाई है। इनकी कीमत सिर्फ लॉकडाउन में मालूम पड़ती है लोगों को, क्या अलीम भाई सही कर रहे हैं? सही बात है भाई। आपका कल, वालेकुम अस्सलाम, आपका कल वाला वीडियो बहुत वायरल हो गया है। ओके वो सब लोग बोल रहे हैं कि ये आदमी के पास अगर इतना पैसा है तो इनका नंबर हमको दो, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरा पैसा मेरे लिए, दूसरों के लिए नहीं है। जब आप 1 लाख रुपए की गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपके पास भी तो पैसा है ना। गरीबों के लिए कुछ मिलेगा? गरीबों के लिए मैं देता हूँ अपना आप। मास्क लगाओ रे, मास्क लगाओ। यहाँ पे मस्ती मजाक तो हो गया, अब चलते हैं घर पे। सारे काम हो गए, यहाँ के बाहर निकलने का फ़ायदा हुआ कि सारे काम हो गए और अब चलते हैं घर। ये देखो पूरी नाकाबंदी, कल से मेरे को नहीं लगता है ट्रैवलिंग आसान रहेगा। ये चेक पोस्ट से जो मैं निकला हूँ ना, ये लोगों ने मुझे मेरे ID चेक करे बगैर छोड़ा ही नहीं। यहीं पे वो वॉशिंग सेंटर है जहाँ पे मैं सवेरे आया था, तो वो लेडी मिले थे मुझे जो शिवसेना के वुमेंस के कुछ है, वो मैं बता दूँगा आप लोगों को। ये शायद वो लेडी अभी भी वहीं पे है, वो वॉशिंग सेंटर और वो लेडी का ऑफिस, और वो लेडी अभी भी यही ऑफिस में है। अम्मा का बर्थडे है 12 बजे, तो वो उसका केक ला के रखा था मैंने और उसको बताया नहीं था, और माहिरा को भी पता नहीं था ये केक नहीं है, ये केक नहीं है, दूसरा केक लाया हूँ मैंने। आमना आमना जी, ओ आमना जी, तुमको क्या लगा ये तुम्हारा बर्थडे केक लाया है? आ जाओ आ जाओ, केक काटते हैं। तो देखो आमना से अन्ना बना दिया रे। क्या हैप्पी बर्थडे आमना। तो गाइस वक्त आया है ये वीडियो को खत्म करने का, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं आमना के बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ। टिल देन पीस, आस्ताला विस्ता।